हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इसका पार्ट टू पार्ट वन में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझाया था ये पार्ट टू है जिसमें हम कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे कंजर्वेशन के सो हैविंग बिकेम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन पहेली एंड बूजो सॉरी यस yes, पहेलियन एन बूजो और वरिड मतलब जब उनको पता चला पहेलियन एन बूजो को डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो दे गॉट वरिड ठीक है दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि किस तरह से फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं ठीक है बायोस्फेयर अब देखो यहाँ पे ना हम आगे बढ़ने से पहले बायोस्फियर का मतलब जान लेते हैं बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ तो बायोस्फीयर वो पार्ट होता है अर्थ का जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं रहते हैं या जो पार्ट लाइफ सपोर्ट करता है ठीक है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू तो द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स

बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिटिंग ऑन द अर्थ ये अगर हम बात करते हैं ना बाजिकल डायवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एनिमल जो कि अर्थ पर हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है एंड इन्वायरमेंट में उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फेयर रिजर्व फॉर पहेली बूजो एंड देअर क्लासमेट तो प्रोफेसर अहमद ने क्या करा एक बायोस्फेयर रिजर्व की ट्रिप बच्चों के लिए प्लान करी एंड उन्होंने एक जगह सेलेक्ट करी दैट इज़ पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व ठीक है कौन सी जगह पंचमरी बायोस्फेर रिजर्व इसमें से क्वेश्चन कई बार आता है ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स मतलब जो ये जगह है ना पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व यहां पर जो प्लांट्स एंड एनिमल मिलते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं उनसे जो कि हिमालयन पीक के अपर पोर्शन में मिलते हैं एंड लोअर वेस्टर्न घाट भी जो मिलते हैं ठीक है प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज यूनिक प्रोफेसर अहमद को लगता है कि जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है ना वो बहुत यूनिक होती है ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इन साइड द बायोस्फीयर रिजर्व उन्होंने क्या करा माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं उनको कहा कि बच्चों को बायोस्वे रिजर्व में गाइड करें एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस मेक पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज उन्होंने समझाया माधव जी ने कि जो अगर हम ऐसे एरिया कर देते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे नेशनल हेरिटेज हेरिटेज क्या होता है जैसे हम किसी भी मोन्यूमेंट्स को देखते हैं या किसी भी ऐसी चीज को देखते हैं जो बहुत पहले से हमारे देश का पार्ट है तो हम उसको प्रिजर्व करते हैं उसको, you know, उसकी वैल्यू करते हैं तो जब आप उनको प्रिजर्व कर देते हो तो समहा हम अपने देश की नेशनल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करें माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल मतलब उन्होंने ये बोला कि चाहे हम अगर अपनी बात करें कि कुछ लोग जैसे कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं सोसाइटी में कुछ लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ों को जैसे कि प्लांट्स को एनिमल को प्रिजर्व करें उसी तरह गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि वो फॉरेस्ट को और एनिमल्स को प्रिजर्व करें और यह बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि क्या होता है ना जब आप गवर्नमेंट के रूल्स लगा देते हो अगर गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेती है तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर पेनल्टी होती है बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं जेल हो सकती है तो लोग इसलिए स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम गवर्नमेंट क्या करती है बहुत सारे रूल्स मेथड और पॉलिसीज बना रखी है ताकि वो इन जगहों को प्रिजर्व कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बायोसफेयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया तो अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नेशनल पार्क की बायोसफेयर रिजर्व की ये वो प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो कि हेल्प करते हैं कंजर्वेशन में प्लांट्स एंड एनिमल के जो भी इस एरिया में मतलब प्रेजेंट होते हैं Now, आगे बढ़ने से पहले ना ये तीनों चीजें पढ़ लेते हैं इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हंड्रेड परसेंट टीचर्स देते ही देते हैं टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मतलब प्लांट फोना मतलब एनिमल अगर हम चाहते हैं अपने फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करना और उनके हैबिटेट यानी जहां पर वो प्लांट और एनिमल हैं तो वहां पे हमने प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज नेशनल पार्क बायोस्फेयर रिजर्व ये हमने क्यों बना दिए क्योंकि इन सभी एरियाज में हम फ्लोरा या फोना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक है और ऐसे एरियाज में जो प्रोटेक्टेड एरियाज कहलाते हैं वहां पे प्लांटेशन खेतीबाड़ी करना कल्टीवेशन गाय या फिर किसी से भी किसी भी एनिमल से चराना मतलब जो चराते हैं ना वो नहीं होना पेड़ों को काटना हंटिंग पोचिंग मतलब किसी भी एनिमल के पार्ट को यूज़ करना सम फॉर सम परपज फॉर सेल फॉर देयर स्किन एनीथिंग सब कुछ मना होता है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड मतलब बिल्कुल मना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम में लिखा हुआ है ये दीज आर द एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से ठीक है दीज आर द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट मतलब उनके हैबिटेट को कोई डिस्टर्ब ना करे और उन एनिमल्स को कोई डिस्टर्ब ना करे नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नैचुरल रिसोर्सेज नेशनल पार्क क्या होते हैं ये वो एरियाज होते हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रिजर्व हैं और जिसको यूज कर सकते हैं फ्रीली मतलब ये दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट। नेशनल पार्क में क्या होता है ना ये लोग फ्रीली उस हैबिटेट को यूज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को फ्रीली यूज कर सकते हैं फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ये ना बहुत बड़े लेवल पे सेव करते हैं लार्ज एरियाज जहाँ पे आपने पूरा का पूरा लैंड कंजर्व कर दिया प्लांट ला, प्लांट लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए सारे रिसोर्सेज के लिए जो वहाँ पे अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी है वो भी प्रिजर्व कर दिया उनकी भी लाइफ प्रिजर्व कर दी पूरे एरिया को आपने कंजर्व कर दिया वो काफ़ी बड़े लेवल पर होता है बायोस्फेयर रिजर्व में ठीक है हमने पूरी बायोडाइवर्सिटी को ही प्रिजर्व कर देते हैं हम लोग बायोस्फेयर रिजर्व में सो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट या कंट्री में आप नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायसफेर रिजर्व के बारे में यू you यूनो know, लिख सकते हैं मतलब जो जो है आपको लग रहा है पंचमरी बायोस्फेर रिजर्व आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बता रखा है कि क्या क्या है नाउ नेक्स्ट पे आते हैं बायोस्फेयर रिजर्व चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फेयर रिजर्व एरिया बच्चे जो थे वो प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ उन्होंने बायोस्फेयर रिजर्व एरिया में एंट्री ली माधव जी एक्सप्लेन करते हैं दैट रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ माधव जी ने क्या बोला कि ये जो एरियाज है ना ये इस तरह से हैं कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं ठीक है ठेके? पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता प्लांट एनिमल वहां का लैंडस्केप हर चीज प्रिजर्व कर देते हैं नाउ एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी ठीक है Now, ज द वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कोई भी प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस एरिया में होता है सारी चीजें जैविक विविधता वो सबको हम प्रिजर्व करते हैं बायोस्फेयर रिजर्व में द बायोस्फेयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया सपोज वहां पर कोई ट्राइबल कम्यूनिटी रह रही है तो ऐसा नहीं कि उनको अलग कर देंगे वो भी उसी प्रिजर्वेशन का उस कंजर्वेशन का पार्ट है ठीक है एक बायोस्फेयर रिजर्व में हो सकता है और कई प्रोटेक्टिव एरियाज हूँ ठीक है जैसे कि द पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी एंड पंचमरी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है सो बेसिकली इन्होंने क्या बोला नेशनल पार्क देखिए सतपुरा नेशनल पार्क कि ये एक ऐसा बायोस्फेयर रिजर्व है पूरा का पूरा जिसमें हमने एक नेशनल पार्क भी प्रिजर्व हो गया इसके अंदर एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रिजर्व हो गई ठीक है उसके बाद है वही फैक्टर्स आपको बताने हैं जिससे आपके आसपास की बायोडायवर्सिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटी हो सकते हैं और मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं कई बार नेचुरल फैक्टर्स होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ फ्लोरा एंड फोना की अगर मैं बात करूँ यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल की एज द चिल्ड्रेन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट जैसे जैसे बच्चे उस फॉरेस्ट से पास हो रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ की यू you नो know, हरियाली देख के वहाँ पे जो प्लांट्स दिख रहे थे उनको ये सब देख के दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इन साइड द फॉरेस्ट वो जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां बड़े बड़े टीक ट्रीज हैं ठीक है टीक से आपको पता है कि फर्नीचर बनाया जाता है टीक वुड से सो so, यहाँ पे टॉल टीक ट्रीज उन्हें देखने को मिले एनिमल्स देखने को मिले सडनली पहेली फाइंड आर रैबिट एंड वॉन्ट्स टू कैच इट सडनली क्या हुआ पहली को एक रैबिट मिलता है एंड वो उसको पकड़ना चाहती है शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट तो पहली उसके पीछे पीछे भागने लग गई प्रोफेसर अहमद ने उस पहले तो पहेली को मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो एनिमल हैं वो अपने हैबिटेट में बहुत ही कंफर्टेबल हैं बहुत ही खुश हैं एंड हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया माधव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल और प्लांट्स यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते हैं मतलब वो कहीं और नहीं मिलेंगे वो यहीं पे मिलेंगे द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिवलीफ दैट एरिया सपोज यहाँ पे एक एरिया ए है तो ये ए में अगर मैं बात करूं ए एरिया में प्लांट जो भी होंगे और जो भी एनिमल्स होंगे वो इस एरिया के फ्लोरा या फोना कहलाएंगे अभी कुछ और टर्म्स हैं जो आपको समझनी होंगी ये आगे आगे टर्म जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं साल टीक मैंगो जामुन सिल्वर फॉन्स अर्जुन ये फ्लोरा एंड चिंकारा ब्लू बुल बार्किंग डियर चीता चीतल लेपर्ड वाइल्ड डॉग ये सब फोना के एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन आता है इसमें से कई बार सपोज चार ऑप्शन दे देंगे कौन सा इसमें से नहीं है या कौन सा इसमें से है या आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम्स में टीचर पूछ लेते हैं ठीक है इनकी फोटो दे रखी है चीतल की लेपर्ड की फर्न की एंड जामुन ट्री की नाउ एंडमिक स्पीसीस क्या होता है मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे देखो कोई भी एक स्पीसीज सपोज स्पीसीज ए है जो केवल इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है इट इज नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स ऐसी स्पीसीज जो केवल एक ही एरिया में प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग एंडमिक स्पीसीज बोलते हैं ठीक है समझ में आया अब जैसे एशिएटिक लॉयन है अगर हम बात करें तो क्या है वो वो एक एंडमिक स्पीसीज है आपको वो मोस्टली इंडिया में ही मिलेगा ठीक है एशियटिक लॉयन आपको केवल इंडिया में मिलेगा वो भी एक पर्टिकुलर जगह है गुजरात जहां पे वो आपको मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि आपको सेवन्थ क्लास में आपने लॉयन टेल मकाओ के बारे में पढ़ा था जो वेस्टर्न घाट में मिलता है एंड इट इज एन एंडमिक एनिमल जो कहीं और नहीं मिलता है ठीक है तो मतलब वो वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा सून द ग्रुप्स क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट चिल्ड्रेन्स आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्ल जैसे जैसे बच्चे जंगल में एंट्री लेते गए तो बच्चों को मतलब बड़ी हैरानी हुई एक बड़ी सी स्क्विरल दिखी उन्हें बड़ी सी गिलहरी दिखी ये दिख रही है यहाँ पे ठीक है दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल इस जो ये स्क्विरल थी इसके बहुत ही बड़ा सा फ्लफी टेल था एंड वो जानना चाहते थे इसके बारे में तो माधव जी ने बोला कि इसको हम लोग जाइंट स्क्विरल बोलते हैं क्या बोलते हैं जाइंट स्क्विरल बोलते हैं एंड ये इस एरिया में एंडमिक है मतलब ये अगर यहां मिल रही है तो और कहीं नहीं मिलेगी एंडमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया क्या होती या प्लांट की होती हैं जो एक एरिया में मिलती है और कहीं नहीं मिलती दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी वेयर एल्स वो कहीं और आपको नहीं देखने को मिलेंगी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन अ स्टेट और अ कंट्री कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल हो सकता है किसी एक कंट्री में मिले या किसी एक जोन में मिले या किसी एक स्टेट में मिले तो एनिमल एंडमिक हो सकते ऑन द बेसिस कि वो किसी कंट्री के एंडमिक एनिमल हैं किसी जोन के एंडमिक एनिमल हैं किसी स्टेट के एंडमिक एनिमल हैं मतलब वो उस एरिया कंट्री या स्टेट के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे माधव जी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व तो माधव जी ने साल का ट्री शो किया एंड वाइल्ड मैंगो शो किया यहाँ पे वाइल्ड मैंगो आप देख सकते हो दो एग्जाम्पल दिए जो कि एंडमिक फ्लोरा के हैं और ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलते हैं बिसन इंडियन जाइन स्क्यल एंड फ्लाइंग स्कुर ये भी इस एरिया के एंडमिक फोना है मतलब ये इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट मतलब अगर कोई जहाँ पे ये रह रहे हैं वो क्या हैबिटेट है अगर कोई इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देगा डिस्ट्रक्ट कर देगा खराब कर देगा तो उससे क्या होगा ना इनका रहना मुश्किल हो जाएगा इनकी एग्जिस्टेंस मतलब जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पे ये अगर इनका घर ही खत्म हो गया तो इनकी सर्वाइवल पे बात आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और नई स्पीसीज के आने से कई बार कोई फॉरेन स्पीसीज के आने से भी उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाता है ठीक है स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अच्छा ये बात समझ में आ गई कई बार आपसे एंडेमिक स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीट स्पीसीज होती हैं जो खत्म हो चुकी हैं ठीक है जो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी एक जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं पहले पैसेंजर पिजन होता था डोडो बर्ड होती थी ये हमारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं जो अब हैं ही नहीं अर्थ में ठीक है तो एंडेमिक अलग होता है एक्सटिंक्ट अलग होता है एंडेंजर्ड वो होता है जिसपे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो खत्म हो जाएंगी मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो तीनों में कई बार डिफरेंस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये ध्यान रखना है कि तीनों बहुत ही अलग-अलग हैं और क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए स्पीशीज क्या है स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती हैं जो कैपेबल हैं इंटर करने के मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स स्पीशीज जैसे कि डॉग की स्पीसीज कैट की स्पीसीज कोई भी एनिमल ले लीजिए उसकी स्पीसीज तो बेसिकली दीज आर द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग करने के कैपेबल हैं इसका मतलब ये होता है कि मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकते हैं लेकिन अपनी ही स्पीसीज के साथ और दूसरी स्पीसीज के साथ नहीं ऑल दो लोग साइंस में एक्सपेरिमेंट करके ये भी पॉसिबल करना चाहते हैं और कई बार हुआ है कुछ कुछ करा गया है पोटैटो टोमेटो को मतलब एग्जाम्पल ले लें तो पोटैटो की स्पीसीज हो गई टोमेटो की स्पीसीज हो गई दोनों को मिलाया गया है मतलब अभी इस पर रिसर्च चलती रहती है बट ओवरऑल स्पीसीज यही होती हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी सेम स्पीसीज के लोगों के साथ ठीक है और जो स्पीसीज होती है ना उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे डॉग्स अगर आप कितने भी देखें आप बोलेंगे ना वो डॉग है तो डॉग एक स्पीसीज है बट फिर उसमें आ जाते हैं कि एक लेब्रा है एक गोल्डन रिट्रीवर है ठीक है एक पूडल है एक पोमेरियन है अलग अलग है सेंट बर्नार्ड है तो ये क्या है ये ब्रीड हो गई ये स्पीसीज के अंदर कैटेगरी हो जाती है ठीक है जैसे कैट की भी अलग अलग एक एक स्पीसीज कैट है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड होती है सो so, ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्लोरा एंड फोना अभी फटाफट से हम लोग कवर करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क सोन पहेली सीज अ बोर्ड विद पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट पहेली ने देखा एक बोर्ड पे लिखा है पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को मारना बहुत ही बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है बाई लॉ मतलब आपको सजा होगी अगर आपने ऐसा करा बिल्कुल स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल मना है कि कोई भी यहाँ के वाइल्ड लाइफ या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनको नहीं मार सकते और किसी ने मारा तो इट इज पनिशेबल मतलब इस पर सजा हो सकती है थ्रू लॉ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है और साथ में बेसिकली आप कह सकते हो कि वो उस कंडीशन में रहते हैं he also tells them that people living in wildlife sanctuary are allowed to do a certain activity such as grazing by their livestock collecting medicinal plant firewood etc इन्होंने क्या बोला कि जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे हैं वो कुछ सर्टेन एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे कि ग्रेजिंग अलाउड है जो उसी के अंदर रह रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही कोई बाहर से आके अपने गाय भैंस चराएगा नहीं जो वहां रह रहे हैं ग्रेजिंग अलाउड है मेडिसिनल प्लांट फायरवुड अलाउड है लेना लेकिन नो यू कैन नॉट किल एनी एनिमल ऑल एनिमल को यहाँ पे किसी भी जगह पे ऐसे अलाउड नहीं करते बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है कुछ थ्रेटेड वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि ब्लैक बग आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में व्हाइट आइड बग एलिफेंट गोल्डन कैट पिंक हेडेड डक घरियाल मार्श क्रोकोडाइल पाइथन डाइनासोरस ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं प्रिजर्व किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एंड

कि कौन सी स्पीसीज हैं जो खतरे में है ये एंडेंजर्ड कहलाती हैं जो ख, जिन पे खतरा है थ्रेटन बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसमें भी कैटेगरी होती है जैसे रेड डाटा बुक अभी पढ़ेंगे तो उसमें भी कैटेगरी होती है एंडेंजर्ड और थ्रेटन अलग है एक दूसरे से लेकिन अभी छोटी क्लासेज में आपको एक ही बता देते हैं कि इनको खतरा है ठीक है इट इज अ अटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द दबरहुड एनरोज अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम यानी कि ये एक बहुत ही गलत बात है या कह सकते हैं कि सोचने वाली बात है पिटी तो खैर होता है कि जैसे किसी पे मतलब बहुत ही गलत होना एक्चुअली दया होना पिटी इज समथिंग की दया आना बट स्टिल यहाँ पे जो पिटी यूज हुआ है कि ये कितनी गलत बात है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी सेफ नहीं है क्योंकि कई बार जो लोग उसमें रह रहे होते हैं या फिर आसपास रह रहे होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है चिल्ड्रेन्स आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू यानी कई लोगों को आपको पता होगा कि जू में आप घूमने जाते हैं दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेज वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन तो, तो उन्होंने क्या रिकॉल किया कि जू जो होते हैं ना वो ऐसी जगह होती है जहां पे एनिमल प्रोटेक्शन रिसीव करते हैं ठीक है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू के बीच में क्या डिफरेंस है चलो मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ जो आपको आइडिया होना चाहिए देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर आ जाएगी जू इधर आ जाए सॉरी 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 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर आ जाएगी जू इधर आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है हमने एनिमल को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही प्रिजर्व कर दिया जहां वो पाए जाते हैं जहां वो रहते हैं वहीं पे हमने उनको प्रिजर्व किया है लेकिन जू में आप देखते होंगे हर तरह के एनिमल है जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है वहां पे वो एनिमल भी वहीं पर है क्योंकि हमने उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से उनको बाहर निकाला और फिर हमने उनको प्रिजर्व किया ठीक है विजिट अ नियर बाय जू ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स कैन एनिमल लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टीड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन दर नेचुरल हैबिटेट ऑब्वियसली दे विल बी कंफर्टेबल इन देयर नेचुरल हैबिटेट जू में तो रखते हैं आप देखते होंगे परेशान से ही रहते हैं एनिमल अगर जू में आप विजिट करते हैं तो मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक जू बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि वो खुश नहीं दिखते हैं एनिमल्स वहाँ पर और अकेले होते हैं बट ऑब्वियसली ये एक तरीका है प्रिजर्व करने का सो so, यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो अपने नेचुरल इन्वॉर्मेंट में नहीं होते जू में क्योंकि उनको बाहर निकाल के लाया जाता है ताकि उनको प्रोटेक्ट करा जा सके सो so, ऑब्वियसली दे विल भी हैप्पी इन देर नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में ये सब आराम से घूमते हैं बायसफे रिजर्व में क्योंकि उनका उनका खुद का वो वहीं रहे हैं और वहाँ कोई डर नहीं है उनको ठीक है नेशनल पार्क और पढ़ा देती हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ चुके हैं ऑन द रोड साइड देयर वॉज एनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटर्न सतपुरा नेशनल पार्क रोड साइड एक बोर्ड था जिसपे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क चिल्ड्रेन क्या है देयर नो इगो चिल्ड्रेन आर नाउ ईगर टू गो देर बच्चे वहां जाना चाहते हैं माधव जी बताते हैं कि दीज रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इको सिस्टम वो ये बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं ठीक है जैसे जो भी आप देख रहे हैं ये इतने बड़े हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एक होल एक इको एक का इको सेव हो रखा है क्योंकि ये जो प्रिजर्व्स होते हैं चाहे आप नेशनल पार्क मान लीजिए चाहे बायसफे रिजर्व मान लीजिए वहां पे फ्लोरा फोना लैंडस्केप हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जो भी है सबको प्रिजर्व कर देते हैं कुछ भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ठीक है ये पहला फर्स्ट अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना है नेशनल पार्क अलग है ठीक है नेशनल पार्क सबसे पहला जो है हेली नेशनल पार्क है कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व की बात हो रही है तो ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है जो फॉरेस्ट जिसको रिजर्व कर दिया गया और इस फॉरेस्ट में ही इस सतपुरा नेशनल पार्क में सबसे बढ़िया क्वालिटी की टीक मिलती है ठीक है एंड देयर आर मोर देन 100 हंड्रेड नेशनल पार्क इन इंडिया और ये भी चेंज होता रहता है हमेशा नए डाटा पे जाना चाहिए नाउ रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क रॉक शेल्टर्स यहाँ पे मिलते हैं ये क्या होते हैं रॉक शेल्टर्स आर बेसिकली द एविडेंस मतलब ये सबूत हैं प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ का मतलब पहले कभी ह्यूमन इस यहाँ पे रहे होंगे तो उन्होंने अपना शेल्टर बनाया पत्थरों से वो यहाँ पे देखने को मिलता है एंड ये लोगों को एक आइडिया देता है कि पहले लोग कैसे रहते थे दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ पीपल हु यूज टू लिव हेअर रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर यहाँ पे आपको कई सारी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी टोटल ऑफ फिफ्टी फाइव रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व अगर आप देखेंगे तो पचपन रॉक शेल्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व में कई एनिमल्स की लोगों की फाइटिंग की हंटिंग की डांसिंग की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इन सब की फिगर्स है वॉल पर मतलब लोगों ने बना रखा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि पहले यहाँ पे आ, लोग रहते थे और अभी भी कई ट्राइबल्स हैं जो इस एरिया में रहते हैं एस चिल्ड्रेन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्होंने देखा सतपुरा टाइगर रिजर्व तो माधव माधव जी ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर नाइनटीन सेवेंटी थ्री में यह लॉन्च हुआ था वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन दिस इन द कंट्री मतलब पहले क्या हुआ था ना पॉपुलेशन एकदम खत्म होती है अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है बट एक टाइम पर बहुत ज्यादा कम हो गई थी टाइगर की पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड मैनी अदर फैक्टर्स तो उस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट कोगोडाइल ये सब लॉन्च हुए हैं तो वो क्यों लॉन्च हुए ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करा जा सके कंट्री में ये जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो ये इंश्योर करना है कि टाइगर पॉपुलेशन को हम लोग यू नो सर्वाइवल को इंश्योर कर पाए कि इस कंट्री में वो सही सलामत रहें और उनकी पॉपुलेशन बढ़े ठीक है टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट टाइगर का क्या हो रहा है ना बहुत लोग हंट करते हैं इनकी स्किन के लिए उनको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं तो इस चक्कर में इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज अक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर बट सतपुरा टाइगर रिजर्व की एक खास बात यह है कि जहाँ पूरी कंट्री में अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है यहाँ पे देखा गया कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक एलिफेंट वाइल्ड एंड वर फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क मतलब यहां पर पहले ये सभी एनिमल्स जो मैंने बोले ये भी पहले मिला करते थे काफी ज्यादा एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग मतलब ए ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर कम हो रहा है इतना कम हो रहा है धीरे धीरे कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो खत्म हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ऐसे एनिमल्स को हम लोग एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं ठीक है इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक अ लॉन्ग टाइम हो जैसे एक टाइम पहले डायनासोर होते थे, थे खत्म हो गए तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैव बिकम डिफिकल्ट अच्छा एक मेजर कॉज जिससे कोई भी एनिमल खत्म हो रहा है एंड हो रहा है दैट इज उनका जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट ठीक है तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोटेक्ट हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स की मतलब अगर कुछ भी गलत होता है तो लोगों को पनिश किया जाएगा प्रॉपर लॉज ऐसे लॉज इम्पोज होने चाहिए जो ऑलरेडी हैं भी और कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अलाउड नहीं होनी चाहिए जैसे कि कोई पोचिंग नहीं कर सकता हंटिंग नहीं कर सकता एनिमल्स को कैप्चर नहीं कर सकता लकड़ी नहीं काट सकता वहाँ से मेडिसिनल प्लांट नहीं ले सकता ठीक है माधव जी टेल्स more स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर than the ऑफ बिकमिंग मतलब कि आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि जो छोटे छोटे हैं ठीक है ठीके? वो ज्यादा खतरे में है एज compared टू द एनिमल्स जो मतलब uh, खतरे में नहीं है एट टाइम्स वी snakes, स्नेक्स फ्रॉग bats बैट्स एंड ruth ruthlessly विदाउट रियलाइजिंग their importance इन द इकोसिस्टम देखो ये सब ना एनिमल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड आप किसी एक को हटा दोगे तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ठीक है तो हम अगर स्नेक्स फ्रॉग्स लिजार्ड बैट्स इन सबको कट मतलब मट कट कर देंगे तो क्या होगा हमें पता भी नहीं चलेगा और ये इको से खत्म हो जाएंगे बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ इनको मार के हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं एंड दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन इको सिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर मतलब हो सकता है ये साइज में छोटे बट आप इनका रोल खत्म इग्नोर नहीं कर सकते मतलब आप ये नहीं कहोगे कि अरे ये क्या ही रोल प्ले करते होंगे इसमें बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइक सबके सब एनिमल पीसीज एवरी थिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फूड चेन फूड वेब का पार्ट है सो इको सिस्टम जो है वो बना है प्लांट से एनिमल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और साथ में कई नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि क्लाइमेट सॉयल रिवर डेल्टा एस एक्टेट्रा Now, इस यूनिट से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये वाला मैं थर्ड पार्ट में कराऊंगी आपको ये जो है आपका पूरा क्या कह कहते हैं वाइल्ड लाइफ जो पोर्शन है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं करना है जैसे कि वाइल्ड मैंगो सैल इसका एग्जाम्पल बताया साल ट्री या फिर ये आपको बताया कि कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं इनको याद रखना है और साथ ही साथ आपसे कई बार पूछ लेते हैं एक्सटेंट एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज के बारे में तो वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये पार्ट टू है अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एर्थ साइंस 2023 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एर्थ साइंस के सेक्शन में वहां पे मैंने नए नय, नया जो सिलेबस है नए जो यूनिट्स हैं उसके हिसाब से दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है तो ये सारी वीडियोज़ आपको उसी में मिलेंगी थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो